बात करेंगे बोरसी में बारूद फैक्ट्री में बड़े धमाके की। बोरसी में जिस तरह से बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है उसमें एक बड़ा अपडेट आप तक दे दें। बेमेतरा के पिरदा में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में सुबह 8 बजे एक भीषण ब्लास्ट हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि 5 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट होने पर ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई भूकंप आया हो। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री से केमिकल और गैस का रिसाव हो रहा है जिससे राहत और बचाव काम में दिक्कतें भी आ रही हैं। ये वो तमाम दिक्कतें जिसका सामना इस वक्त रेस्क्यू टीम कर रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि सुबह 8 बजे जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद 9 बजे से वहां पर IBC 24 की टीम पहुंच चुकी है और लगातार हर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाताओं ने मास्क लगाकर चेहरे पर रुमाल बांधकर उस जगह तक वो पहुंचे जहां पर इस वक्त पहुंचना मुश्किल है। 6 घायलों को इलाज के लिए फिलहाल रायपुर रेफर कर दिया गया है जिसमें से 50 साल के सेवक राम साहू की मौत हो चुकी है। वहीं ब्लास्ट के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर कलेक्टर भी पहुंचे लेकिन उनका भी ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ घायलों का इलाज की वो तस्वीर जो रायपुर के अस्पताल से सामने आई है, दूसरी तरफ वो जगह जहां आज सुबह 8 बजे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट के बाद क्या स्थिति वहां की थी ये पूरी तस्वीर हमने आपको IBC 24 के कैमरे में दिखाई थी। हमारे संवाददाता मोहन पटेल और हमारे संवाददाता स्टार जैन ने हर वो तस्वीर और हर वो अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया जिसे जानना जरूरी था। मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम उभरा। मैं तो बताऊं जो दवाई अभी तक क्या नहीं मिला है, अभी रेस्क्यू टीम को क्या कर रहे हो अभी? तो रेस्क्यू टीम अभी तक क्या नहीं आया भाई? बिरला में एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और इसमें 6 लोग घायल हुए थे। उन 6 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, उनका उपचार चल रहा है। यहाँ पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे उनका सबका इवैक्यूएशन 100% हो गया है। ग्रामीण जो लोग आ गए थे उनको भी हमने बाहर समझाइश देके भेज दिया है। ये बताना अभी बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ये हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी, केमिकल्स यहाँ थे ही, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है, बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और अभी जांच हो रही है, प्रशासन के सारे लोग वहां उपस्थित हैं। बेमेतरा जिला के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में एक बड़ी स्फोट की जानकारी लगी है। मैं प्रशासन के लोगों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन की पूरी टीम, कलेक्टर, SP सहित सब घटना स्थल पर मौजूद हैं और ये सही है कि एक बड़ा विस्फोट है और अभी भी और विस्फोट होने की आशंका है। घायलों को समुचित इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है।